जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों देख सकते हैं समय, दुकानदार जो हैं आप भंडारा जो है चलाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ कड़ी चावल है तो वहीं हलवे का जो प्रसाद है वो दिया जा रहा है। इंद्री बस स्टैंड के नज़दीक से आपको लाइव तस्वीरें समय जन तहलका पर दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं समय, जहाँ एक तरफ हलवे का प्रसाद दिया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कड़ी चावल जो है राहगीरों को इस समय दिए जा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं भंडारा इस समय जिसका आयोजन किया गया है इंद्री गौशाला की ओर से। और ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसकी इंद्री बस स्टैंड के नज़दीक ये जो गौशाला की तरफ से भंडारा दिया जा रहा है, कड़ी चावल और हलवे का जो प्रसाद है वो दिया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो इंद्री बस स्टैंड के नज़दीक से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है जहां पर हलवे के प्रसाद के साथ साथ कड़ी चावल इस समय राहगीरों को दिए जा रहे हैं। जो इंद्री गौशाला है उनके सौजन्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इंद्री बस स्टैंड के नज़दीक से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। देख सकते हैं समय, राहगीरों को इस समय हलवे के प्रसाद के साथ साथ कड़ी और चावल का जो भोजन है वो इस समय दिया जा रहा है। राहगीर यहाँ पर पहुँचते नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गर्मी पड़ती नज़र आ रही है उस गर्मी में भी जो गौशाला इंद्री है उनके तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इंद्री बस स्टैंड के नज़दीक से दिखाई जा रही है। एक तरफ चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो समाज सेवी हैं वो कहीं ना कहीं पुण्य का कार्य करते नज़र आ रहे हैं। और आज इंद्री बस स्टैंड के नज़दीक आप देख सकते हैं गौशाला इंद्री की तरफ से जो है कड़ी चावल और हलवे का जो प्रसाद है वो इस समय दिया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। इंद्री बस स्टैंड के नज़दीक आप देख सकते हैं कामधेनु गोपाल गौशाला की ओर से जो है इस समय हलवे का और जो चावल और कड़ी है वो उसका प्रसाद जो है इस समय दिया जा रहा है राहगीरों को। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इंद्री बस स्टैंड के नज़दीक इस भंडारे का जो है आयोजन किया जा रहा है। राहगीरों को इस समय कड़ी चावल और हलवे का जो प्रसाद है वो इस समय दिया जा रहा है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो इंद्री बस स्टैंड के नज़दीक से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जहां पर कामधेनु गोपाल गौशाला की तरफ से हलवे का और कड़ी चावल का जो भंडारा है उसका आयोजन किया गया है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। जिस तरीके से चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है कहीं ना कहीं जो समाज सेवी हैं इस ओर आगे आते नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं राहगीरों को जो भंडारे का आयोजन कर पुण्य का कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। इंद्री बस स्टैंड के नज़दीक इस समय कड़ी चावल और हलवे का जो प्रसाद है वो राहगीरों को दिया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंद्री बस स्टैंड के नज़दीक जो दुकानदार हैं और साथ ही साथ जो कामधेनु गोपाल गौशाला है इंद्री उसकी ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन होता नज़र आ रहा है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। तो इंद्री बस स्टैंड के नज़दीक से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है जहाँ पर कामधेनु गोपाल गौशाला की ओर से इस समय भंडारे का आयोजन किया गया है। राहगीरों को इस समय कड़ी चावल और प्रसाद जो है इस समय हलवे का वो दिया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। बस स्टैंड के नज़दीक से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है जहां पर कामधेनु गोपाल गौशाला की ओर से कड़ी चावल और हलवे के प्रसाद का जो भंडारा है वो लगाया जा रहा है। राहगीरों को इस समय दिया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इंद्री बस स्टैंड के नज़दीक इस समय ये भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें राहगीरों को ये भंडारे में जो प्रसाद है वो दिया जा रहा है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। जिस तरीके से चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है वहीं एक तरफ जहां जलजीरे का पानी पिलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बस स्टैंड के नज़दीक इस समय कड़ी चावल और हलवे का जो प्रसाद है वो इस समय राहगीरों को दिया जा रहा है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो आज कामधेनु गोपाल गौशाला की ओर से आप देख सकते हैं भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें हलवे का और कड़ी चावल का जो प्रसाद है वो इस समय दिया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। राहगीरों को देख सकते हैं समय कहीं ना कहीं इस
भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण इस समय करते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। जिस तरीके से तेल चलाती हुई गर्मी पड़ रही है और उसी गर्मी से बचाव को लेकर के जो राहगीर हैं वो इस समय भंडारे का आयोजन करते नजर आ रहे हैं। जो समाज सेवी हैं या संस्थाएँ हैं वो भंडारे का आयोजन करते नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इंद्री बस स्टैंड के नज़दीक से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। बस स्टैंड के नज़दीक इस समय कामधेनु गोपाल गौशाला की ओर से जो भंडारे का आयोजन किया गया है, इस बीच हमारे साथ गौशाला के जो पदाधिकारी है वो जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। संजीव जी, क्या कुछ कहेंगे आज ये भंडारे का? सभी दर्शकों को आपको नमस्कार। जैसे कि आज यहाँ भंडारे का प्रोग्राम किया है, गौशाला की तरफ से भंडारे का प्रोग्राम किया गया है, जो भी समर्थ लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और इस तरह के भंडारे वगैरह कर देने चाहिए। और आजकल तो गर्मी जितनी है उसी हिसाब से भोजन वगैरह की जो व्यवस्था की है यहाँ पे लोगों के लिए, बढ़िया काम है करना। सामर्थ्य लोगों को आगे आना चाहिए और इसमें सहयोग देना चाहिए सबको अपना। कैसा लगता है इस तरह के कार्य करके? बहुत अच्छा लगता है। गौ सेवा में भी काम करते रहते हैं और अब यहाँ भी चल रहा है काम। जी बिल्कुल, धन्यवाद इस समय संजीव जी जुड़ने के लिए। ये इस समय कामधेनु गोपाल गौशाला की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें गरीबों को और भूखे लोगों को इस समय जो है कड़ी चावल और हलवे का जो प्रसाद है वो दिया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इंद्री बस स्टैंड के नज़दीक से दिखाई जा रही हैं। इंद्री में जो भंडारा दिया जा रहा है कामधेनु गोपाल गौशाला इंद्री की ओर से, इस बीच हमारे उनके जो गौशाला के प्रधान हैं वो जुड़ चुके हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे आज ये क्या कार्यक्रम है? आज ये प्रवासी के उसमें उपलक्ष्य में दे रही है। अच्छा, हाँ। क्या सोचा था इस तरीके का कार्य करना चाहिए? बस ये सोचा था भंडारा देना, अभी खुशी है सबने, अच्छा सेवा करनी है, सब भाइयों का प्यार भी है, इसमें मिला है देखो। अच्छा। हाँ, हलवे का कड़ी चावल का प्रसाद है। अच्छा। हाँ, सबका सहयोग है इसमें भाई, बाकी कुछ लोगों को और सहयोग भी है देखो। हाँ, क्या कहेंगे जो सामर्थ्य लोगों को इस तरीके के कार्य करने चाहिए? हाँ, ऐसे करने चाहिए देखो, भंडारा करना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए अपना। हाँ जी, ठीक है धन्यवाद। इस समय देख सकते हैं जो गौशाला के प्रधान हैं वो, उनका बताना है कि जिस तरीके से चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी से बचाव को लेकर कहीं ना कहीं इस समय लोगों को पेट भर भोजन मिल सके उसी को लेकर के भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कड़ी चावल और हलवे का जो प्रसाद है वो इस समय दिया जा रहा है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इससे आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहाँ पर कामधेनु गोपाल गौशाला की ओर से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और इस भंडारे में राहगीरों को इस समय कड़ी चावल और हलवे का जो प्रसाद है वो दिया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। जिस तरीके से गौशाला की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, कड़ी चावल और हलवे का जो इस समय प्रसाद है वो इस समय दिया जा रहा है, आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। कहीं ना कहीं जो सामर्थ्य लोग हैं और जो समाज सेवी हैं वो इस कार्य को करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ अशोक जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, क्या कुछ कहेंगे आज ये कार्यक्रम? ऐसा है जी, ये कामधेनु गौशाला की तरफ से भंडारा लगाया गया है। हम सोच रहे हैं अभी जितने भी गर्मी में लोग परेशान हैं, पर अन्नदान ये सबसे बड़ा महादान है गौ माता की तरफ से, गौ माता का आशीर्वाद है। हाँ, लोगों को जब हम तो लोगों को कहते हैं अभी बड़े प्यार से लो, प्यार से खाओ। धन्यवाद इस समय जुड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं जो सामर्थ्य लोग हैं वो इस और आगे आते नज़र आ रहे हैं और समाज सेवा का जो कार्य है वो इस समय करते नज़र आ रहे हैं, और कड़ी चावल और हलवे का जो प्रसाद है वो इस समय इंद्री गौशाला की ओर से किया जा रहा है। तो आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।